सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं द विचर के सीजन 4 के बारे में, बिकॉज काफी टाइम से लोग पूछ रहे थे कि सीजन 4 का अभी वर्क कहां तक पहुंचा है, तो इसकी शूटिंग से लेकर रिलीज तक एंड जो नए कास्ट मेंबर्स आ रहे हैं उन सबकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, सबसे पहली बात तो द विचर के मेकर्स को एक बहुत बड़ा शू फिल करना है जो कि है हेनरी कैविल का, बिकॉज उनके जैसा विचर दोबारा मिल पाना इस शो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। एंड लग नहीं रहा था कि शायद लियम हेम्सवर्थ उस विचर की जो कमी है उसको ढंग से पूरी कर पाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी करंट टाइम में जो इनके मेकर्स के इंटरव्यूज सामने निकल कर आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भाई वो लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं लियम हेम्सवर्थ के विचर के ऊपर। प्लस अभी रिसेंट के टाइम में लियम हेम्सवर्थ ने भी इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। सो मे बी इम्पैक्ट वाइज जो लाइक लियम हेम्सवर्थ का विचर है वो भाई हेनरी कैविल के विचर के ज्यादा पास ना पहुंच पाए, लेकिन एक्टिंग वाइज आई थिंक वो अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट कर देंगे। एंड इनके मेकर्स ने ये भी बोला है कि आगे आप लोग को जो भी स्टोरी देखने को मिलेगी उसमें सीरी एक मेन सेंटर पॉइंट होने वाला है, एंड इसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये लोग स्टोरी के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके आप लोग को एक डिसेंट सा जो लाइक सीजन 4 है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगर सीजन 4 ने अच्छा करा देन आप लोग को इसका कंटिन्यूएशन भी देखने को मिलेगा, अदरवाइज सब नेटफ्लिक्स के हाथ में रहेगा कि फिर वो लोग द विचर को आगे लाइक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। अगर बात करें इसके सीजन 4 के करंट स्टेटस की, तो आप लोग के लिए खबर अच्छी ये है कि भाई स्क्रिप्ट रीडिंग का काम अभी करंटली जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके साथ चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि आप लोग को बहुत जल्द इसकी जो शूटिंग का वर्क है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट रीडिंग एक फाइनल फेज होता है। अभी करंटली जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है कि द विचर का जो सीजन 4 है वो अपने शूटिंग पोर्शन में चला जाए, एंड इसके शूटिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन को खत्म करने में पूरा एक साल का टाइम लगता है। तो यस, आप लोग को इस साल तो इसका सीजन 4 डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें कि 2025 में कब तक आप लोग को लाइक इसका सीजन 4 देखने को मिल सकता है, तो अभी करंटली जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके अकॉर्डिंग समर 2025 एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को उस टाइम तक जो इसका सीजन 4 है वो देखने को मिले। अमेरिकन समर जो है वो जून से लेकर सितंबर तक चलते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को जो इसका सीजन 4 है वो समर के लास्ट तक देखने को मिलेगा। दैट मींस कि सितंबर 2025 तक इसके सीजन 4 के आने के चांसेस बने हुए हैं। हालांकि शूटिंग स्टार्ट होने के बाद डेफिनेटली इसके अंदर थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो अगर इन फीचर्स के रिलीज डेट के अंदर हमको और कोई चेंजेस पता चलते हैं देन वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर वीडियो के लास्ट में हम लोग बात कर ले भाई नए कास्ट मेंबर्स एंड पुराने कास्ट मेंबर्स की, सो देखो वैसे तो मैक्सिमम जो पुराने कास्ट मेंबर्स हैं वो रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन लियम हेम्सवर्थ जो कि विचर का रोल आप लोग को अब आगे प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे, उनके साथ ही कुछ और नए कैरेक्टर्स आप लोग को लाइक द विचर की सीरीज में ज्वाइन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो जो पुराने कास्ट मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट मैं इधर पिन कर दे रहा हूं, एंड जो नए कास्ट मेंबर्स हैं अगर उनकी डिटेल हमको मिली तो उसको भी मैं वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा। अभी करंटली मेरे को यही कुछ इन्फॉर्मेशन द विचर के सीजन 4 के ऊपर मिली हुई थी। आप लोग बताना भाई मेकर्स द विचर के सीजन 4 के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि भाई लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस सीरीज के अंदर बना रहे। जो भी आप लोग के सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में तो मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक यू, बाय बाय, पीस ऑफ।